तो माय यूट्यूब चैनल लोकेंद्र सिंह लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हम बेसिक से जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के थ्री वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से ट्री, गोन और मेट्रोन, इन तीन वर्ड से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। इनका मेंस क्या होता है? ट्री का मेंस थ्री, गोन का मेंस साइड, मेट्रोन का मेंस मेजर। इन तीन वर्ड से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। तीन साइड से मेजर कोई फिगर बनी हो। ये राइट ट्राइंगल है ना, नाइनटी डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इस एंगल को मान लेते हैं अपन थीटा। तो क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं जो थीटा के सामने, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल। एंगल कौन सा है? सी। इसको ये होती है अपनी साइड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। और जो 90 डिग्री है सामने, जो बड़ी वाली भुजा होती है, उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको वैसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये साइड बचती है इसको बोलते हैं अपन बेस। हो गया? अरे समझ में। हमेशा ध्यान रखना 90 के सामने ही हमेशा क्या होती है, जो बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। और थीटा के सामने क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो बच गया है वो क्या होता है? अपना बेस। अब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज में, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो बताता हूं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं घूमने गए, जैसे कुतुब मीनार देखने गए, और आप किसी पॉइंट पे खड़े हो, पॉइंट पे खड़े होकर के कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, और मैं आपको कहूं कि आप बिना मापे इसकी हाइट बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। या फिर दूसरा एग्जांपल लें अपन, आप किसी छत पे खड़े हो, छत पे खड़े हो, रोड के उस पार एक गमला पड़ा है मकान के सामने, आप उसको देख रहे हो छत से, जो छत से देख रहे हो, मान लीजिए आप यहाँ पे छत पे खड़े हो, यहाँ पे वो गमला पड़ा है और ये वो बिल्डिंग है, आप उसको देख रहे हो। अब आपको पता करना हो कि ये जो ये डिस्टेंस है रोड की, ये जो चौड़ाई है, तो वो हम क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या करेगा, अपने को दो साइड दे रखी होंगी, तीसरी पूछेगा, या फिर टू साइड और एक एंगल दे देगा और ये पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपन एक राइट ट्राइंगल। अब दो क्यों बनाए हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, अभी आगे वीडियो में अभी समझाऊंगा कि दो क्यों बनाए हैं। पहला ले राइट ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम एंगल सी, जब थीटा दे रखा हो, थीटा सी हो, तब तो परपेंडिकुलर कौन सा रहता है और ये इसमें कौन सा रहता है, इसलिए बनाए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कोस थीटा। परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस क्या होता है? टेन थीटा। और इसका उल्टा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है। देखिए अब आता है साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट जो होती है सीरीज, उसी का एक है। जैसे अपने ए बी सी डी ऐसे होते हैं, वैसे ही अल्फाबेट है। तो देखो साइन थीटा मैंने क्या बताया? अब पहले तो इसमें ये देखो कि मैंने क्या बताया पहले, कि थीटा के सामने ही
साइड क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने क्या बताइए, हाइपोटेनस। और बच गई वो क्या बताइए, बेस। यही है, इसके लिए देखेंगे इस राइट ट्राइंगल के लिए देखेंगे तो इस अब की बात थीटा कौन सा है, ए दे रखा है तो थीटा के सामने की मैंने कौन सी बताई है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने क्या बताइए, हाइपोटेनस। और बच गए वो बेस, दोनों की क्लियर। ये चीज आपको बताने के लिए मैंने दो डायग्राम बनाए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसके लिए देख रहे हैं अपन इसमें, फ्रॉम एंगल सी के लिए। तो क्या इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या अपना एबी, परपेंडिकुलर कौन सा इसमें एबी, एबी अपॉन हाइपोटेनस क्या है एसी। लिख देता हूं पहले यहीं पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपना है ए बी अपॉन ए सी। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसका बीसी, और हाइपोटेनस क्या है इसका एसी। टेन थीटा, टेन थीटा क्या बताया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें ए बी, और बेस क्या है बीसी। अब एक चीज और है क्या, कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, कोसेक थीटा का, और कोस थीटा है वो किसका उल्टा होता है सेक थीटा का। ये किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, और एक दूसरे के ये क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए तुम कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल बताया इसका, तो ये हो जाएगा बीसी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है बीसी अपॉन एबी। और सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है इसका होता है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाएगा एसी अपॉन बीसी। अब आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका होता है साइन थीटा का, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो गया बीसी अपॉन एबी। समझ आएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या बताया मैंने बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है एसी। अब आता है कोस थीटा, कोस थीटा में क्या है, कोस थीटा क्या बताया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा है इसमें एबी, और हाइपोटेनस कौन सी है एसी। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें बीसी, और बेस क्या है ए बी। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए बी, इसका उल्टा हो जाएगा बी सी, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये इसका उल्टा। सेक थीटा क्या हो जाएगा किसका उल्टा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या था अपना एस सी, और ये हो गया ए बी। अगला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है अपना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है एसी अपॉन नीचे क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है बीसी। इतना समझ में आया। अब आगे इनसे जो फॉर्मूले बनते हैं वो अब नेक्स्ट अगले फॉर्मूले हैं जिनके लिए मैंने बनाया है कि फिगर हेक्सागोन, क्या बनाया हेक्सागोन, हेक्सागोन में क्या है इससे बनाएंगे। अब कैसे, मैं इसके डायगोनल्स मिला देता हूं इनके वर्टिक्स से, इसका वर्टिक्स इनके मिला दिया।
ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, सिक्स ये है, सिक्स ही अपने कौन है, यहां पे लिख देंगे साइन थीटा, यहां पे लिख देंगे कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इधर आ जाएगा कोट थीटा, इधर आ जाएगा सेक थीटा और इस साइड आ जाएगा कोसेक थीटा। अब आप बोलोगे कि हम याद कैसे रखेंगे, तो सी सी वाले की साइड में है, उस साइड वाले हैं, टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अब सबसे पहला अपना फॉर्मूला आता है कौन सा, इससे करेंगे टेन थीटा, आगे वाले के दोनों क्या लिख देंगे इसके अपॉन में, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगला चलेंगे अपन साइन थीटा, साइन थीटा का वो सेम प्रोसेस है, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। नेक्स्ट है अपना कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, कौन सा जाएगा कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अब नेक्स्ट है इससे आगे कोस हो गया, उसके बाद में कोट थीटा, कोट थीटा भी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। बाकी दो और बचे वो भी क्या जाएंगे सेम इसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, क्या आ जाएगा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा अपॉन tan थीटा, sec थीटा अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट आपका sec थीटा, ये बच गया, ये भी क्या जाएगा tan थीटा अपॉन sin थीटा। आज देखो इनको प्रूफ करके दिखाएंगे ऐसे कैसे लिख दिया आपने, सबसे पहले क्या है sin थीटा, tan थीटा, tan थीटा है, tan थीटा को अपन क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना ये चाहिए, इसको लिख देते हैं अपन साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नीचे कोस थीटा, कोस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, कैसे कैंसिल कर दिया देखिए बताता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये क्या इसके डिवाइड में बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस प्रकार हमें दिया हुआ हो डिवाइड में तो उसका अपन क्या करते हैं रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल क्या करते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल बच जाएगा क्या अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी के अकॉर्डिंग सभी क्या है सभी प्रूफ हो जाएंगे। अब हमने देख लिया सिक्स फॉर्मूले, अब आगे चलते हैं अपन और तीन फॉर्मूले और बनाते हैं, इसके बीच में मैं लिख देता हूं वन। अब वन कैसे होता है, इन दोनों का आमने सामने का मल्टीप्लाई क्या होता है वन, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन। अगला है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन। ये तीन फॉर्मूले और निकल के आ गए, इनको भी प्रूफ करके देखें तो यहां पे क्या है पहले साइन थीटा इंटू कोस थीटा को देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू कोसेक थीटा क्या अपना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, बस गया क्या अपना वन, क्या प्रूफ हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये दोनों फॉर्मूले भी क्या होते हैं प्रूफ करते हैं। अब आगे आता है अपना स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्या आता है स्क्वायर वाला, ये इनमें मैं साइन लगा देता हूं क्लॉकवाइज, देखिए
स्क्वायर वाले पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसका कैसे करेंगे, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है अपना टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीनों हो गए, ये तीन हो गए स्क्वायर के फॉर्मूले। पढ़ेंगे सिक्स फॉर्मूले और हैं, कैसे बनते हैं देखिए, इसका और ये इसका, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करेंगे, अगला भी कैसे हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, अगला इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कौन सा, कोट थीटा का। कोट थीटा कैसे होगा, ये इसका मल्टीप्लाई और ये इसका मल्टीप्लाई, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसी के अकॉर्डिंग तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इंटू सेक थीटा, sec theta is equal to tan theta into cosec theta। अब इनको करते हैं अपन प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे ये ही है, sin theta is equal to क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse is equal to, tan theta is equal to क्या होता है, perpendicular upon base into, cos theta is equal to होता है base upon hypotenuse, ये हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse। कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं है, सभी प्रूफ कर करके देख रहे हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने, एक ही फिगर से कितने फॉर्मूले बता दिए। तो देखिए फॉर्मूले और हैं, आपने सुना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम क्या होता है नाइन। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करते हैं, ये करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। आगे करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा को क्या हो जाएगा, कोट थीटा, सॉरी कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। आगे आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ ज्यादा क्या आता है, साइन थीटा। अब अगर और तीन फॉर्मूले और निकल के आएंगे, इसका इस साइड में हो जाए दोनों का ही, तो क्या जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। आगे आपका कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। आगे है कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक ही फिगर से हमने पूरे के पूरे, एक ही फिगर से सभी फॉर्मूले सीख लिए कैसे निकालते हैं। अब आती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए टेबल, सबसे पहले टेबल को बनाने से पहले बताता हूं एक्यूट एंगल, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इस साइड लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इस साइड लिख देते हैं फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसको समझेंगे हम थ्री स्टेप में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, क्या करेंगे, कितने हैं ये टोटल, 4
फोर से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, ये कर दिया फोर से हमने सेकेंड स्टेप में डिवाइड। अब आता है अपना थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या आता है सभी का क्या ले लेंगे अपन अंडर रूट, सबका क्या ले लिया अंडर रूट, जो कटता है उसको काट लो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर वन जा फोर, ये आ गया। अब फाइनल स्टेप में क्या आएगा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है जीरो आता है, जीरो का अंडर रूट क्या होता है जीरो। अब वन अपॉन फोर है, वन का अंडर रूट कितना होता है वन, और फोर का अंडर रूट कितना होता है टू, वन का अंडर रूट कितना होता है वन, टू का अंडर रूट कितना होता है अंडर रूट टू लिख देंगे, अंडर रूट थ्री, थ्री का अंडर रूट नहीं होता तो इसको लिख देंगे अंडर रूट थ्री, फोर का अंडर रूट कितना होता है टू, वन का अंडर रूट वन। अब क्या करना है इस cos थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो ये कर लेंगे वन अंडर रूट थ्री अपॉन टू, वन अपॉन अंडर रूट टू, वन बाय टू, और ये जीरो। यहां तक किसी प्रॉब्लम, दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं tan थीटा, tan थीटा के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए ये वैल्यू निकालनी है अपने को, तो tan किसके आएगी जीरो डिग्री की, साइन थीटा की वैल्यू क्या है जीरो, और cos थीटा की वैल्यू क्या है वन। अभी अभी मैंने बताया था कि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे क्या आता है जीरो ही आता है। नेक्स्ट है अगला करेंगे वन बाई टू अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, बच गया क्या वन अपॉन अंडर रूट थ्री, वन अपॉन अंडर रूट टू में वन अपॉन अंडर रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा वन, अंडर रूट थ्री अपॉन टू में से डिवाइड करेंगे टू से टू कैंसिल क्या जाएगा अंडर रूट थ्री। अब आता वन अपॉन जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखना हमेशा, क्या कि वन अपॉन जीरो, ऊपर तो साइन के नीचे कॉस की, तो अभी भी मैंने बताया था कि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब तो क्या आता है जीरो, पर अब बट यहां पे क्या आ रहा है वन में डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, तो क्या आएगा यहां पे इनफिनिटी, यानी नॉट डिफाइन, क्या आएगा नॉट डिफाइन। अगला आता है cot थीटा, cot थीटा किसका उल्टा होता है tan का, तो लिख देंगे यहां पे नॉट डिफाइन, ये अंडर रूट थ्री ये वन, ऐसा वैसा वन अपॉन अंडर रूट थ्री और जीरो, यहां तक ट्रेवल समझ में आए। अब नेक्स्ट आता है अपना sec थीटा, sec थीटा किसका उल्टा होता है sec थीटा cos का, तो वन का उल्टा यानी sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा, तो sec थीटा यानी थीटा की जगह अपन क्या ले लें जीरो डिग्री लेते हैं वन अपॉन cos वन, वन में वन से डिवाइड करते हैं क्या आता है वन। नेक्स्ट है अंडर रूट थ्री अपॉन टू यानी वन अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ये इसके डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री, इसका उल्टा करेंगे अंडर रूट टू अपॉन वन, इसका उल्टा करेंगे टू, अब ये आता है जीरो, तो कहां लिखेंगे यहां पे लिखेंगे, ये किसके वैल्यू हो गई 90 डिग्री की। अब अभी अभी मैंने बताया किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है वहां पे नॉट डिफाइन। अब cos थीटा क्या होता है इसका उल्टा, लिख दो नॉट डिफाइन, ये आ गया टू अंडर रूट टू, ये टू अपॉन अंडर रूट थ्री, और ये हो गया वन। ये हो गई आपकी टेबल तैयार, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।